यू भाई लोग कैसे हो आप सभी, और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना पीएस गेमर्स। तो गाइस पीएस गेमर नई और ब्रांड न्यू सबका स्वागत है। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं जीटीए ऑनलाइन। तो गाइस आज अपनी वेब सीरीज का डे है 67। तो अगर गाइस आपको आज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो जाकर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। तो आज हम थे रे भाई के साथ सूट बूट डाल के काफ़ी तैयार हुए हुए हैं। तो आज हम करेंगे कैप्टन का नेक्स्ट वाला मिशन। तो लास्ट वाले मिशन में तो हमने भाई बोट्स तबाह कर दी थी, जो कि फर्स्ट मिशन था सुपर याच लाइफ का। तो साथ में हमारे रोनिश भाई ने हेल्प की थी। तो आज तो भाई हम सोलो करेंगे मिशन। तो देखते हैं कैप्टन आज कौन सा नया मिशन देते हैं हम लोगों को। तो चलते हैं गाइस मिशन करते हैं। तो कैप्टन तो भाई हमेशा शिप के आगे बैठा रहता है, अकेली भाई सारी शिप हैंडल करता तो सही है। ओके है, सही है। तो गाइस आपको आज हमारी शॉर्ट्स भी आती हैं, और काफ़ी गाइस आज हैप्पी न्यू ईयर आप सबको पहले, तो कि आज 1 जनवरी है, तो आप सबको नया नया साल की बहुत बहुत मुबारक। तो परचेज़ कर लेते हैं सुपर हैवी आर्मर भी, सही है। तो कंफर्म सेटिंग करते हैं, यस। आज हम अकेले ही सोलो ही खेलेंगे। तो गाइस बस ये लॉन्च हो ही जाए बस एक मिनट में। एक्वेरियस याच पीएस गेमर्स याच, सही है। याच का नाम तो पीएस गेमर्स रखना इम्पोर्टेंट ही था। आप सबने हमारी याच ऑलरेडी देख ही चुके हैं। जैसे गाइस हमने वादा किया था याच तो हम आपके लिए ले आए हैं। बस आपका काम यही है कि वीडियो को जितना जितना हो सके शेयर कर दिया करो हमारी, और साथ में लाइक कर दिया करो। तो इस मिशन का नाम है सेल्वेज, तो ठीक है करते हैं। चलो यही सच्ची है, यहाँ पर चलेंगे व्रेकेज साइट। तो व्रेकेज साइट चलते हैं, अपना हेलीकॉप्टर लेके चलेंगे, और शिप की लोकेशन फिर से चेंज हो गई। तो सामने मुझे पानी में कुछ नज़र आ रहा है, जो कि अक्सर नहीं होता। तो शायद इसके पास ही अपना मिशन होगा, क्यों ये तो बिल्कुल पास ही है, सामने ही नज़र आ रहा है, तो बहुत ही पास चीज़ है। क्यों वैसे मैं पानी में देखता हूँ, ये चीज़ें होती नहीं है। तो हाँ गाइस स्पेशल मिशन के लिए रखवाएगी यहाँ पर, तो इसी के अकॉर्डिंग ना कोई मिशन होगा यहाँ पर। सेल्वेज द कार्गो, तो कार्गो को हमें गाइस सेल्वेज करना है। तो सबसे पहले हेलीकॉप्टर तो लैंड में भी नहीं होगा यहाँ पर, कोशिश करता हूँ लैंड करने की। भाई काफ़ी गुंडे भी लग रहे हैं मुझे शिप्स के अंदर, तो मैं अपना हेलीकॉप्टर को ना सेफ एंड साउंड ना यहाँ पर कहीं पर लैंड करवाता हूँ। ओके ओके, आउट ऑफ द एरिया आ गया, आउट ऑफ द एरिया आ गया, जल्दी जल्दी एरिया के अंदर चलें। तो गाइस मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे को डिलेक्सो मिल जाए यहाँ पर अभी रोड के ऊपर जाके, बट वही हुआ, VSTD से कारण हो गया क्योंकि मैं एरिया से बाहर चला गया हूँ। शिट, चलो कोई नहीं, हेलीकॉप्टर से तो जो हुआ हो गया सही, हेलीकॉप्टर तो छूट ही गया। तो सीधा अब चलेंगे नॉर्मल मिशन करेंगे। तो पानी के अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा हमें, तो अंदर चलते हैं और कार्गो देखते हैं कहाँ पर है। तो जी कर लेते हैं, रीब्रीदर डाल लिया हम लोगों ने। तो सामने कुछ लग तो रहा है, हाँ तो इसी को लगता है हमें पकड़ना है। यहाँ पर एक और ये भी है, नहीं 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 रे भाई उधर सामने जो चमक रहा है ना यहाँ पर चलेंगे। तो यस वन, एक हमने ले लिया, अभी 6 और पड़े। तो रे भाई चल क्यों नहीं रे सही तरीके से, क्या हुआ इनको? यस यस बिल्कुल सही, सीधा सीधा चलेंगे। तो बहुत ज़्यादा रे भाई ना नीचे चल रहे हैं, बट सारे के सारे टारगेट्स भी नीचे ही हैं ना। तो 2 हमने कर लिए हैं, और तीसरे की लोकेशन यहाँ कहीं पे आ रही है, तो ये पहाड़ के ऊपर चलते हैं। तो यस तीसरा यहाँ पर मिल गया, और एक चौथा और पांचवा वहाँ पड़ा, तो सबसे पहले इसको पकड़ लेते हैं हम।
और पांचवा जो सामने दूर है थोड़ा सा उसको लेते हैं, और फिर ये दो साइड में जो बड़े हैं इनको हम इकट्ठा कर लेंगे बाद में। ये भाई का सारा सूट गीला हो गया, कहना पड़ेगा इतने अच्छे तैयार होके बैठे थे, बट चलो कोई नहीं सूख भी जाएगा। दो रह गए बस, और अभी तक रीब्रीदर तो 19 बने हैं भाई, बहुत ज़्यादा पड़े हैं। हमारी टीम लाइफ भी ऐसी वेस्ट हो गई, अभी पता नहीं नेक्स्ट मिशन क्या होगा, क्योंकि इतना भाई इजी मिशन तो होने नहीं लगा। GT5 में कोई भी इजी मिशन होता नहीं, और कैप्टन के सारे मिशन मैंने सुनने में आया था कि काफ़ी डिफिकल्ट है। फर्स्ट वाला मिशन तो नॉर्मल था, उसमें तो बस शिप्स ही उड़ानी थी, बट हाँ उसमें ना पुलिस ने काम थोड़ा सा कर दिया था कि पुलिस थोड़ा सा डिफिकल्ट बना रही थी मिशन को। और ये तो इसमें तो गुंडे भी नहीं आए, ये तो नॉर्मली से बस हम स्विमिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं इसमें कुछ आएगा, मे बी कोई ट्विस्ट मिशन में आ सकता है। अभी तो क्योंकि टाइम भी कुछ नहीं हुआ, काफ़ी थोड़ा टाइम में ही हो गया, तो साथ के साथ हमने कलेक्ट तो कर ली है, तब देखते हैं क्या करना होगा। ऊपर चलते पहले तो पानी से, तो गाइस ये सामने शिप दिखाई दे रही है, शिप को हम पकड़ते हैं और चलते हैं। डिलीवर द कार्गो टू द याच, तो याच में चलेंगे, याच तो बिल्कुल सामने ही है, तो सही है पास ही है बिल्कुल अपनी याच, तो चलते हैं। बाकी समझ नहीं लग रही ये शिप्स यहाँ क्या कर रही थी, चलो वट एवर जो भी कर रही हूँ। ओके तो ये क्या आया, बिकॉज ऑफ माई याच आर एट द बॉटम्स ऑफ द सी, यू टेक समथिंग ऑफ माइन, आई टेक समथिंग ऑफ योर्स। तो गाइस मुझे लगता है ये धमकी वाला मैसेज आया हम लोगों को कोई, तो मुझे लग रहा है कि किसी ने मेरी ना याच ना हाईजैक की है, देखते हैं क्या लगता है मेरे को, क्योंकि मैसेज तो भाई ख़तरनाक सा ही है, और किसी ने भेजा मुझे जानता नहीं, तो मैं प्रिपेयर रहता हूँ बिल्कुल थोड़ा सा। तो मुझे लग रहा है कि कोई है याच के ऊपर, दूर से देखने में लग रहा है कोई याच के ऊपर है, वही हुआ गाइस, किसी ने मेरी याच को हाईजैक कर लिया है, तो अब आ गया मिशन में तो टेक आउट द हाईजैकर्स। तो भाई यहाँ से जल्दी से हम बंदे मारते हैं, तो भाई एक तो ये बोट वाला तो बंदा पूरा मार दिया, और साथ में एक साइड में बोट भी है भाई, काफ़ी गोलियाँ बज रही हैं, तो भाई क्या बात है, मेरी याच में मुझे गोलियाँ मार रहे हैं, और क्या ही भाई होगा इनका, तो तब तो ये गुंडों को सारा सही तरीके से सबक सिखाना पड़ेगा। तो ग्रेनेड से मारूं जितना हो सके, ग्रेनेड से अगर कोशिश करता हूँ मारने की, अगर ग्रेनेड से मरते होंगे तो ठीक है। काफ़ी कुछ हो नहीं रहा लगता मुझे, कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा कि याच के ऊपर जाके गोलियां से मारने पड़ेंगे बंदे, एक आधे कम हो जाए वो ही बहुत है, बट एक आधा भी लगता है कोई कम हो नहीं रहा। ग्रेनेड फेंको सीधा, ग्रेनेड से कुछ नहीं होगा, पिस्टल से ही गन ही देख के चलता हूँ। हाँ कॉम्बैक्ट राइफल लेता हूँ, तो सामने वाला बंदा तो मैंने मार दिया, सही है, काफ़ी सही फाइटिंग जा रही है। बंदे भाई सामने एक है, उसको तो मार दिया, नीचे है एक, ऊपर है, सही है, ऊपर वाला बंदा भी मर गया। थोड़े थोड़े बंदे कम कर रहा हूँ, ये भाई भी क्या करते रहते हैं। लगा ऐसे काम बनना नहीं है, मैं लगता है मेरे को शिप में जाना चाहिए, अब तक अभी तक मैं शिप में चल जाना चाहिए, बट ना जितने बंदे अगर यहाँ से हो सके उतने अच्छा है। तो फाइनली नीचे वाला बंदा तो मर गया, भी ऊपर वाला बंदा बड़ा, मेरी ना हेल्थ काफ़ी डाउन हो गई है, तो हेल्थ सबसे पहले मैं फुल करता हूँ अपनी, और एक आर्मर डाल लेता हूँ। ये तो भाई ऊपर वाला जो मेरे बंदा ना काफ़ी मार रहा है, तो ज़्यादा ही हेल्थ डाउन होगी, तो सबसे पहले भाई पीछे भागते हैं, इसको मैं मारता हूँ अभी इन्वेंट्री में जाके, सबसे पहले अपना हेल्थ और बॉडी आर्मर डालता हूँ।
तो अब इन हाईजैकर्स के ना बिल्कुल पास ही चल जाऊंगा। जितने मैंने तेज मार ही दिए हैं बस थोड़े से ही रह गए हैं एक अद्धा, तो उसको तो भाई मैं सीधा ही मार दूंगा। भाई क्रैश लैंडिंग की आपके भाई ने और ये सीधा गन से भाई मारेंगे अभी ये बंदे को। एक ही बंदा रह गया। हाँ भाई बाकी सबको तो मैंने दूर से ही मार दिया था, तो अब फाइनली मैंने हाईजैकर से मार दिया। तो भाई अननोन बंदे का फ़ोन भी आ गया। तो गाइस हुआ ये है कि उसने मेरी शिप में ऊपर हाईजैक कर लिया है, तो अब उसने बारटेंडर और जो मेरे पायलट है कैप्टन जिसको कहते हो कि उसको भाई उसने ना लेके चला गया है, तो उसको जाके किडनैप कर लिया कह लो आप सब कह सकते हो कि कैप्टन और बारटेंडर जो ऊपर के डेक में जो आप बारटेंडर देखते हो जिसको जो हमें शराब देती है जो विस्की टाइप देती है हमें ड्रिंक्स, तो वो भाई ले गया। तो अभी हम उसको रेस्क्यू करने जाते हैं। तो बिल्कुल पास ही ये लोकेशन तो हम आ भी गए, तो मैं सोच रहा हूँ हेलीकॉप्टर नहीं लेकर आना चाहिए था हम लोगों को। यहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी है भाई, सारे के सारे बंदे मेरे को बस मारने के लिए लग रहे हैं कि मुझे मारेंगे, तो एक एक करके मैं सबको मारूंगा। भाई इन्होंने इनकी हिम्मत कैसी रही मेरी आज के ऊपर कब्जा करने का। तो यहाँ से तो मैं कोई गोली मार नहीं सकता, तो एक काम करता हूँ हेलीकॉप्टर ऊपर लेके जाता हूँ और मैं सीधा कूद जाता हूँ और दूर से स्नाइपिंग करूँगा। बिल्कुल सही, वो सेफ लैंडिंग करेंगे भाई, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। और मेरा हेलीकॉप्टर तो सीधा पानी में डिस्ट्रॉय हो गया। चलो कोई नहीं, अभी हम लैंड हो गए ना, तब हम करेंगे यहाँ से सीधा भाई मार्कम राइफल से अपनी भाई शूटिंग करेंगे, एक एक को भाई चुन चुन के मारेंगे। डन डन, ये वाला बंदा तो गया। दूसरी मार्कम राइफल लेते हैं जिसके ना स्कोप काफ़ी होगा, सीधा हेडशॉट मारेंगे, एक बार इमेज बंदा जाएगा। मर गया कि नहीं? हाँ चलो अब मर गया, चलो जितना नहीं मरा था वो अब मर गया। और कौन से बंदे हैं यहाँ पे? ओके तो सामने एक बंदा दिखा तो था मुझे, पर थोड़ा ना ऊपर जाते हैं, काफ़ी बंदे एक साथ इकट्ठे दिखने को मिलेंगे। तो इसको तो हेडशॉट ही मारूंगा भाई सीधा। ओके और एक नीचे है, दो बंदे, ठीक है ये भी उड़ गया, साथ में एक और कोई बंदा यहाँ पर रह गया। तो हाँ इधर है, इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को। ये बंदा ऊपर आ जाए बस, इसको मैं फिर मारता हूँ। तो बिल्कुल निशाने में था ये बंदा, और मुझे इस साइड से भाई गोलियां बज रही हैं, तो लेफ्ट में हो रहे भाई। तो हेल्थ तो मैंने फुल कर ली है अपनी भाई। इधर के तो मैंने सारे बंदे मार दिए। तो गाइस वहां के तो मैंने सारे बंदे मार दिए थे, अब मैंने थोड़ा सा साइड अपनी लोकेशन बदली थी, तो ऊपर से भाई और भी कोई बंदे होंगे तो उसको भी मार दूंगा। तो यहाँ पर तो कोई बंदा दिखाई भी नहीं दे रहा, स्नाइपर लेकर आ तो गया हूँ पर मुझे गोलियाँ बजनी है, तो बंदा तो है यहाँ पर, तो बिल्कुल सामने भाई रखो बैठा है, उसको हेडशॉट मारेंगे। और एक बिल्कुल पास भी आ रही है लोकेशन, रेड कलर का मार्क तो आ रहा है बट मेरे को बंदा दिखाई ही नहीं दे रहा। ओके यहाँ पर आए, इसको मार देते हैं। अरे बिल्कुल पास आ रही लोकेशन बट यहाँ बंदा है कहाँ पर? एक बंदा तो देखो बिल्कुल रेड मार्क के बिल्कुल मेरे पास ही है, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। तो कैसे? हाँ ये रहा, तो ये रहा और साथ में ये रहा, तभी यार दिखाई नहीं दे रहे है ना नीचे करके जो थे।
पे वो सामने है। डन। और एक इसको है, इसको भी मार देते हैं हम सीधा। यहाँ पे भी देखो एक बंदा है, कोई बच्चा रह गया भाई। तो भाई चार बंदे थे एक ही लोकेशन में और वो भी मार देते। ठीक है, पांच बंदे इकट्ठे मारे। अब मैं अपनी मशीन गन लेके चलता हूँ भाई और ऊपर चलता हूँ। नीचे के तो सारे बंदे मर गए और ऊपर ही रह गए। ओके तो आ जा भाई, आ जा आ जा। मैं तो वैसे ही खून का प्यासा हूँ। मेरे भाई बारटेंडर, और आपने उसको किया कैसे? तो ऑस्ट्रिसेस विल बी ओके। तो ठीक है, तो गाइस सीधा हेडशॉट ही मारना पड़ेगा जल्दी से। तो सही है, तीनों को मैंने तेज़ी से मार दिया। और गो टू द कैप्टन एंड बारटेंडर। तो फाइनली हमने इसको रेस्क्यू तो कर लिया। तो अभी भाई ये कैप्टन से बात कर ले ज़रा। टेक द कैप्टन एंड द बारटेंडर टू द याच। तो भाई काफ़ी गुंडे भी आ गए यहाँ पर, तो ये गुंडों की याच लेके हम चलेंगे। आ गए हैं तो आ गए सी। तो बस रॉकेट लॉन्चर से मैं मारूंगा कि डन। तो भाई देखो पानी में यार इकट्ठा करके ना काफी गुंडे आ गए हैं, राइट से भी आ रहे हैं, लेफ्ट से भी आ रहे हैं। तो भाई अब तो सिर्फ फाइटिंग होगी। तो एक एक को बस ऊपर आने दो, बस ऊपर आने, आते आते मैं मार दूंगा सबको। ये तो गया, सामने ये भी गया, लेफ्ट एंड साइड से भी काफी गुंडे आ रहे हैं। इनको तो मैं एकदम से मार दूंगा। ये तो भाई लेटे लेटे भी गोलियां मार रहे हैं। सही है। और कौन सा भाई यहाँ पे? और यहाँ पे कोई है नहीं। तो ओके, सामने पत्थर के ऊपर था, चलो ये भी मर गया। कैप्टन और बारटेंडर तो आ रहे हैं दोनों मेरे पीछे। तो मैं सोच रहा हूँ ये वाली बोट लेता हूँ इनकी और यहाँ से सीधा याच में चलते हैं हम अपने। तो ये वाला मिशन तो ख़त्म करें। डिंगी बेस्ट बोट है। तो बंदों को तो मैंने मार दिया, याच बिल्कुल पास ही है तो याच के पास चलेंगे। तो गाइस मिशन तो बहुत ज्यादा ओपी गया। जो उस बंदे ने मेरे को हाईजैक किया था वो कुछ कर भी नहीं पाया। हमने इजीली अपने बंदों को रेस्क्यू कर लिया और उनके सारे बंदे भी मार दिए। सही से कन्फ्यू होता कि भाई रे भाई से कोई मुकाबला कर नहीं सकता, मतलब कोई हरा नहीं सकता रे भाई को। टोपी है, हम यहाँ पर याच में तो आ गए थे और अपना गाइस मिशन पास हो गया। तो आज हमारा कैप्टन का सेकेंड वाला मिशन भी पास हो गया फाइनली। सेकेंड वाला थोड़ा डिफिकल्ट था और इसमें पे भी हमें कम मिली है। पहले वाला थोड़ा ईजी था, उसमें पे थोड़ी ज़्यादा थी, पर चलो इसी हम सेटिस्फाई हैं। तो अब देखते हैं कहाँ पर स्पॉन करेंगे। कंटिन्यू कर देते हैं इसको। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो जाकर लाइक कर देना, चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। तो ये भाई देख लो एक बार फिर से, सूट वूट तैयार के दोबारा से तैयार हो गए हैं। तो गाइस मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिटाटा, गुड बाय, सी यू गाइस एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस।